कितने हो गया ये बहुत हो गया मैं मारू सुबह के बज रहे हैं अभी 7:30 हम लोग की ट्रेन का डिब्बा चेंज हुआ है तो वॉशरूम सब बंद है मेरा 1 घंटे से वॉशरूम चालू नहीं था तो पार्थ भाई ने बॉटल लिया पानी का उसमें मुद दिया भाई कंट्रोल ही नहीं हो रहा है अबे हट बे अबे करना भाई पूरा गंदा हो रहा है जल्दी खोल के धो ना सालो बाहर धो ना तो चूतिया है मेरे से मेरे को बाहर खड़ा रखा बोलता कोई आएगा तो देख और भाई वाटर में मुंह दिया इधर हाथ धो रहा है मेरे से स्विट्जरलैंड की ट्रेन को मेरे से इंडियन ट्रेन मारा कर रखा है तो गाइस आज है 5th of October आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि हम ट्रेन में बैठ चुके थे स्विट्जरलैंड जाने के लिए और अभी सुबह हो गई है हमारी ट्रेन की पूरी जर्नी पूरी हो गई है एंड अभी हम स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं और अभी यहाँ पे लोकल पास का मिलता है तो क्या हो रहा है हमारे साथ अरे अभी यहाँ पे सीन है कि यूरो यहाँ पे चलता नहीं है तो हमें दूसरी करेंसी निकालनी है एटीएम से उसका भी कुछ परसेंट चार्ज लगेगा स्विस फ्रैंक चल रहा है यहाँ पे CHF हाँ भाई बहुत महंगा है यूरो जो हमारे पास पड़े उसको कन्वर्ट भी कराने पड़ेंगे और एक्स्ट्रा पैसे भी निकालने पड़ेंगे CHF में तो भाई हमेशा प्लानिंग करके आया करो हमारे ऐसा उठ के मत आओ तो पैसे निकालते हैं फिर बाहर चलते हैं तो अभी हमने एक ट्रैवलिंग का पास ले लिया और अभी हम ट्रैम का वेट कर रहे हैं उसके बाद हम अपने अपार्टमेंट जाएंगे जो होटल बुक किया था वो नहीं जा रहे क्योंकि वो महंगा है और हमें महंगा नहीं दूर है दूर भी है और थोड़ा महंगा भी है नहीं सेम प्राइस है सेम है सेम थोड़ा सस्ता ही वाले जो होटल से है तूने तो बोला 197 ऐसा कुछ सो गाइस अभी हम ट्रैम में बैठ चुके हैं और अभी हम अपने होटल जा रहे हैं यहाँ से कितना दूर है 4-5 स्टॉप है ना 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे फिर वहां पे चल के दिखाते हैं क्या सीन है गाइस अभी हमारा ट्रैम का स्टॉप आया था और वो दोनों निकल गए बाहर और मेरा एक बैग नहीं मिल रहा था हाँ भाई तो बैग नहीं मिल रहा था तो मैं अंदर ही ढूंढने लग गया और ट्रैम का दरवाज़ा बंद हो गया फिर मुझे पता चला मेरे यहीं पे लटका हुआ है बैग और मैं अगले स्टॉप पे उतरा फिर और अब मैं यहाँ चल के इनके पास वापस आया हूँ वहाँ खड़े दोनों सो अभी हम होटल से बाहर निकल गए हैं रेडी होके पूरा और अभी हम जा रहे हैं राइन फॉल्स जो यहाँ से ट्रेन से अराउंड 1 घंटा दूर है तो पहले ट्रेन पकड़नी है जाके और स्टेशन कितना दूर है 5-10 मिनट है वॉकिंग वॉकिंग 5-10 मिनट है फिर अब वहाँ चलते हैं भाई यहाँ पे खाने की जितनी बेइज्जती करूँ उतनी कम है जो लो सब बकवास निकलता है भाई एक काम करो यहाँ से उतरो ये दिख रहा है पेड़ हाँ उसको पैरेलल जाना है आपको हाँ लेकिन राइन रिवर को करते हुए जाना ध्यान में रखो ओके हाँ राइन राइन की और फिर एक मस्त ब्रिज आएगा ऐसे उस तरफ जाने के लिए ओके ऐसे नीचे जाओगे शाहरुख खान वाला ब्रिज ठीक है दोनों वैसा ब्रिज उधर है जहाँ मैं तुम लोगों को भेजना चाहता हूँ सान भाई ये कितना बेशरम है भाई कितना बेशरम है भाई ये रोज शुरू हो जाता है भाई भारी कौन आ रहा है देख देख रहे हाँ भाई ये जा रहे हैं गिरना चाहिए भाई नदी दिख रही है डाल के रखते ना गाइस अभी हमने फोटो शूट कर लिया है और मैं ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ उसमें ना भाई ऐसा कैसे हो सकता है भाई तगड़ी जगह है भाई वैसे तो मतलब सुनसान है ना तो और बढ़िया लग रहा है और बढ़िया भाई क्या कोई बोल सकता है क्या आगे आदित्य भाई अरे भाई गाइस हमें कुछ खाने को मिल नहीं रहा है तो हमने फाइनली सोचा है कि हम ये खाने वाले हैं डक प्रोटीन कितना प्रोटीन आएगा
भाई आ जाए आराम से, एक दो दिन का, दो तीन किलो तो निकल जाएगा इसमें। हाँ भाई मेरा प्रोटीन दिन का 20 ग्राम हो रहा है कंपटीशन के बाद से, शायद उससे भी कम। यहाँ पे दिन का हो जाएगा 200 ग्राम। सारी बॉडी निकल गई भाई, बॉडी के साथ फोटो भी नहीं खींच पा रहा, कपड़ों में खींचनी पड़ रही है अभी घर जाके बॉडी बिल्डिंग। और यहाँ से व्यू देखो कितना तगड़ा है। हेलो मैं क्या करूँ, हाँ तो यहाँ से व्यू देखो कितना तगड़ा है। I like in Oman, it's fantastic. It's full of Indian shops. Yes. You know? Masala dosa, things, you know. I like it. You guys, so you're going back? No, we'll just explore some and then we'll head back after some time. Because the weather is okay today. Yeah. Tomorrow is a little bit more, but it's already too cold. I was swimming here. Oh. What's up? We hate these assholes. You know why? Why? I shall tell you why. These fucking idiots, they have a bell. They wouldn't use it. You see that? Yeah. गाइस ये देखो बिल्ली मिली है, भाग गई। पूरे यूरोप में पहली बार हमको आज फ्री टॉयलेट मिला है, बहुत खुशी हुई है देख के, नहीं तो हमेशा 100-150 रुपए तक होता है। फ्री फ्री आपके लिए खास। सो फाइनली अब हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले ऑलमोस्ट। ओह नाइस, देखते हैं कैसा व्यू है। क्या से व्यू है बढ़िया हमारा। भाई चिकन बोक वो देखो भाई व्यू, ये रहा गाइस, यस रेनफॉल। हाय हमारे पैसे वेस्ट हो गए, मुझे फिरंगी दिखाओ, फिरंगी सारे इंडियन ही है, मुझे ऐसा लग रहा है मुंबई साइड साउथ मुंबई आ गया हूँ मैं। तो अभी हम दोनों अकेले ही घूम रहे हैं और पार्थ गायब हो गया क्योंकि केतन ने उसको बोल दिया कि तू बेकार फोटो निकालता है, तो वो गुस्सा होके भाग गया है। और उसको फोन किया तो वो बोलता है ठीक है मैं बाद में आऊंगा खुद ही होटल, और यहाँ से तो दूर है काफी, आ ही नहीं पाएगा वो खुद शायद। क्या बोल रहा था भाई? जो बेचारा पढ़ रहा है उसको पढ़ने नहीं दे रहे लंडो लोग को, वीजा मत दो बहन चो इधर आके बच्चों, तो बेचारा उसको रोज के दर्द नहीं रहेगा। तू लंडो पहली बार आया जो पूरा दिन पढ़ इधर ही पढ़ना, इधर ही गाड़ मारवानी है, टॉपर लोग रहते सब जगह पढ़ते है। हर जगह विरार भी जाना, खड़े खड़े पढ़ना पड़ेगा, ये तो कॉलेज इतना दूर दूर रहता है अपने इधर। बंद कर दे भाई, जैसे ऑलरेडी दिमाग का शॉर्ट कर रहा है ये, मुड मुड मार दूंगा इसके पेज पे। क्या